वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये भिंडी ली है। इसको मैंने धो के सुखा लिया है अच्छे से। अब हम इसको काटेंगे। हम इस भिंडी को काटने के लिए हम छोटी भिंडी है इसको ऐसे आगे से काट देंगे। और ऊपर से ऐसे कट मार देंगे। छोटी भिंडी को हम ऐसे काटेंगे। ऐसे और ऐसे कट लगा देंगे। और जो बड़ी भिंडी है, अगर भिंडी बड़ी है तो उसे भी ऐसे काट के उसे दो टुकड़े कर लेंगे और फिर उसमें ऐसे कट लगा देंगे। इस तरह से हम सारी भिंडी काट ली। मैंने ये भिंडी काट ली है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये मैंने घी गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ये भिंडी डालूँगी। फ्राई कर लेंगे एक दो मिनट तक। हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। इसे मैं निकाल लूँगी। मैंने जिसमें भिंडी को फ्राई किया है अभी मैं उसमें तड़का लगाऊंगी। अब तड़का लगाने के लिए मैं खड़े मसाले यूज करूँगी। उसमें मैं सबसे पहले डालूँगी राई। इसको चटकने देंगे। फिर डालूंगी एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, दो लाल मिर्ची। अब इसे हम अच्छे से भूनने देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता। अच्छे से भून लेंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी एक बारीक पका हुआ प्याज। प्याज को भी भून लेंगे हम। हमारा प्याज भून गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। हम अच्छे से पका लेंगे टमाटर को एक दो मिनट के लिए। हम इसको पकने देंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच हरी मिर्च की, मैंने बारीक काट ली है। ये दो हरी मिर्ची हैं। और डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच हल्दी। थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी एक चम्मच कस्तूरी मिर्ची और डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर। अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे दही एक चम्मच दही डालेंगे और इसको अच्छे से गैस को स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से
हम चलाते रहेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे, ये एक मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया है, इसमें अब भिंडी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच गरम मसाला, इसको मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और इसमें डालेंगे हम पानी, इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और अब इसे हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारी भिंडी पकी है या नहीं। हमारी भिंडी बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, फ्रेंड्स। हमारी ये भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।